जानते होंगे ये मेरी पहली YouTube वीडियो है जिसमें मैं द्वारका का स्ट्रीट फूड कवर करने वाली हूँ। सो गाइस मेरी पहली लोकेशन है राजू चुरचुनान जो कि 11 सेक्टर मार्केट के बिल्कुल सामने बैठे हैं। उन्होंने अपनी रिसेंटली लोकेशन चेंज कर ली है। मैं यहाँ पे 5 साल से आ रही हूँ और मुझे इनकी चुरचुनान बहुत पसंद है। आपको मैं ट्राई करके बताऊंगी और आपको हम दिखाएंगे भी इसकी मेकिंग। रायता है बूंदी का और एक मिक्स वेज की सब्जी और हाँ इसमें गुड़ भी है जो कि गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, सर्दियों में खाना चाहिए। ठीक है तो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये इसके फ्लेवर्स क्या है। चुनान बहुत क्रिस्पी है, काफी हेविली स्टफ्ड है और जिसमें पनीर है काफ़ी क्रीमी और काफ़ी डिलीशियस है और उसका टेक्सचर ही काफ़ी क्रीमी सा टेक्सचर है अगर हम इसको खा के देखेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज सब में बटर पड़ा हुआ है तो ये और टेस्टी हो जाता है। तो मैं इनकी दाल मखनी ट्राई कर रही हूँ। कहने को ये प्रॉपर दाल मखनी नहीं है, जिस तरीके से दाल मखनी पकाई जाती है उस तरीके से उतनी क्रीमी नहीं है, बट इट्स नाइस, इट्स ओके। बट अगर आपको दाल मखनी नहीं चाहिए तो आप इसकी जगह चने की सब्जी भी ले सकते हैं, वो पनीर के साथ चने की सब्जी या दाल मखनी में से एक चीज ऑप्शनल है, जो कोई भी आप चाहें तो पिक कर सकते हैं। तो मैं ये चुरचुनान खत्म करने वाली हूँ, वो भी अपनी टीम मेट के साथ। अब मैं ये अकेले नहीं खा पाऊंगी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं पूरा का पूरा खाना अकेले खा जाती हूँ, तो मैं फिनिश करती हूँ और आई विल गेट बैक टू यू विद अनदर लोकेशन। तो गाइस ये है मेरी सेकेंड लोकेशन चाइना टाउन जो कि रामपुर चौक सेक्टर 9 में है और मुझे यहाँ का वेज नूडल्स और मंचूरियन बहुत पसंद है। इसकी चाउमीन काफ़ी अच्छी है और मैं हमेशा भैया को बोलती हूँ स्पाइसी वाली बनाने के लिए। इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि आप मेन्यू में देख सकते हैं। इनके पास चाउमीन है, गार्लिक नूडल्स है, हक्का नूडल्स, सिंगापुरी, शेजवान जो कि मेरा फेवरेट ऑप्शन है, और इनके पास नॉनवेज में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं इनके मेन्यू में। इनके पास मोमोज भी हैं एंड रिसेंटली इन्होंने बर्गर्स भी ऐड किए हैं और सूप के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और ये नियरेस्ट लोकेशन में यानी कि जो कि सेक्टर 9 रामपुर चौक के आसपास है, ये होम डिलीवरी भी करते हैं। तो डू ट्राई दिस बिकॉज आई रियली लाइक दिस प्लेस और मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि मुझे यहाँ का क्या चीज़ पसंद है, वो तो आपको पक्का ट्राई करनी पड़ेगी। सो गाइस व्हाटएवर आई ऑर्डर्ड, जो भी मैंने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। आई ऑर्डर्ड ग्रेवी वाला मंचूरियन एंड दिस इज द शेजवान नूडल्स। मैंने भैया को बोला था एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाने के लिए जो कि मैं हमेशा उनको बोलती हूँ। वैसे इनके शेजवान नूडल्स एक स्पाइसी होते हैं बट आई आज इन टू मेक एक्स्ट्रा स्पाइसी। बड़े मज़ेदार हैं, इसमें उन्होंने वही नॉर्मल कैप्सिकम, कैबेज एंड अनियन डाल रखा है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। स्पाइसी हैं, अगर आपको और स्पाइसी कराना चाहो तो आप करा सकते हो। अब गाइस आई एम गोइंग टू ट्राई दिस मंचूरियन, ग्रेवी मंचूरियन। प्लीज कमेंट एंड टेल मी आपको ग्रेवी वाला मंचूरियन पसंद है या ड्राई मंचूरियन पसंद है। आई लाइक द ग्रेवी वन स्पेशली विद द नूडल्स, वो काफी सॉफ्ट है ये। बहुत अच्छा है,
इनफैक्ट आज मुझे नूडल्स से ज्यादा अच्छा मंचूरियन लग रहा है, इसकी ग्रेवी भी काफी अच्छी है। पिज्जा ऑमलेट खाने के लिए जो कि जस्ट एडजेसेंट टू केसी मोमोज के हैं, केसी रेस्टोरेंट जो कि काफी फेमस है। और यहाँ पे मिस्टर संजीव मेरे साथ हैं जो कि 20 इयर्स से पिज्जा ऑमलेट बना रहे हैं और वो यहीं पे रामफल चौक पे सेल आउट करते हैं, इनकी शॉप है। प्लीज आप बताइए कि आपकी यहाँ पे और भी कोई शॉप है कि आप यहीं पे सिर्फ बना? हमारी अकेली शॉप है यहाँ पे। आप कह रहे हैं आपका मंगलपुरी में भी कोई शॉप? मंगलपुरी मेरे भाई के नाम से, राजीव भाई के नाम से। आप कब से बना रहे हैं पिज्जा? 20 साल हो गए। किस किस तरीके के पिज्जा ऑमलेट्स बनाते हैं? सिर्फ एग्स को यूज करते हैं आप कि और भी कोई चीज यूज करते हैं? एक तो यूज करते करते बाकी हमारे 200 प्रकार के ऑमलेट हमारे पास है, 200 तरीके के। सो गाइस 200 तरीके के इनके पास पिज्जा ऑमलेट्स हैं और द बेस्ट पार्ट इज ये 30 एग्स का भी पिज्जा ऑमलेट बनाते हैं। कितने लोग खा सकते हैं वो? मैम वो कम से कम 7-8 बंदे तो चाहिए होते हैं। तो पिज्जा ऑमलेट अगर आपको 30 लोग यानी कि आपको पूरे गैंग के साथ आना है तो आप यहाँ पे आकर बनवा सकते हैं और खा सकते हैं। द्वारका सेक्टर 9 में और ये है मेरा पिज्जा ऑमलेट जो कि 4 एग्स का है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश इट। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा है। इसमें टॉपिंग्स हैं, चीज की जगह पनीर की टॉपिंग की गई है। काफी अच्छा हैवी है लेकिन जिनका कॉम्बिनेशन ऑफ पॉमग्रेनेट पनीर और एग्स का ही काफी डेलिशियस है, तो आपको जरूर आकर ट्राई करना चाहिए। एंड दिस कॉस्टेड मी 150 रुपीज। गाइज ये बहुत हैवी है, इसको खाने के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए। मैं अकेली से नहीं खा सकती। और इसमें जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने 4 अंडे डालकर और 4 ब्रेड यूज़ किए हैं, फिर उसको इन्होंने टॉप किया है। अमूल बटर इसमें काफ़ी सारा यूज़ किया है जिसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। साथ में अगर आप इन सब चीज़ों को एक साथ खाएंगे यानी कि अनार और इसमें जो पनीर पड़ा हुआ है और साथ में चीज़ सबको मिलाकर आप चटनी के साथ खाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। द्वारका में, इनफैक्ट पूरे दिल्ली में, और मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ तंदूरी अचारी मोमोज और उनके कॉर्न चीज मोमोज जो कि अभी उन्होंने रिसेंटली निकाले। ये शॉप रामफल चौक में है, आप किसी से भी पूछेंगे बहुत फेमस है, किसी को भी पता होगा केसी मोमोज कहाँ पे, केसी रेस्टोरेंट कहाँ पे, मेरे जस्ट बिहाइंड। और अभी अभी हमने पिज्जा ऑमलेट भी ट्राई किया था, वो भी जस्ट एडजेसेंट है इसके।
तो मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ ये कैसे हैं। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। अचारी मोमोज काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट मुझे इनके अचारी मोमोज ही सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। इनके आप मलाई मोमोज भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट बात ये है कि इन मोमोज को तंदूर बहुत अच्छे से किया हुआ है। इसमें अचार का काफी अच्छा फ्लेवर है और ये सबसे बढ़िया चीज है। इसको मैं रेड चटनी के साथ खा रही हूँ। इट्स कमिंग टू बी वेरी ऑसम। इनफैक्ट ये मेयो के साथ भी काफी अच्छा लग रहा है। इसकी फिलिंग काफी जेनरस है और मोमोज भी ऐसी बात है छोटे छोटे हैं, मोमोज भी काफी बड़े हैं। इसमें चार मोमोज बहुत है एक लोगों के लिए। ये मैंने हाफ प्लेट ली थी, इसमें फोर मोमोज थे एंड इट इज मोर देन एनफ फॉर वन पर्सन। सो अगर आपको मोमोज पसंद है और आपको वैरायटी ऑफ मोमोज ट्राई करने हो तो आप यहाँ पे जरूर आइए। इनके मलाई वाले मोमोज भी काफी डिलीशियस है। मैंने वेज ऑप्शन चूज किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इनके मेन्यू में काफी सारे ऑप्शन हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। गाइज मैं आ गई हूँ अपनी लास्ट लोकेशन पे, जो कि है पिशोरी जायका, और ये लोकेटेड है द्वारका सेक्टर 5 में। मैं यहाँ पे आई हूँ स्पेशली नॉन वेज खाने के लिए, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियंस का फेमस पॉइंट है। इनका काफ़ी एलैबोरेटेड मेन्यू है, जहाँ पे आपको कई सारे नॉन वेजिटेरियंस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। चिकन टिक्का हो गया, कबाब्स हो गए, रोल्स हो गए, अफगानी चिकन हो गया, और इनके पास सोया चाप भी है। तो आप ज़रूर यहाँ पे आकर ट्राई करिएगा। मैं आपको अपना रिव्यू दूंगी यहाँ का मटन कबाब खा के, जो कि काफ़ी फेमस है। कबाब आ चुके हैं, जिनको इन्होंने रुमाली रोटी के साथ दिया है। दो रुमाली रोटी हैं इसमें और मैंने इसमें चटनी इन्होंने सर्व की है विद सम प्याज। तो मैं इसको ट्राई करूँगी। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये और काफ़ी सॉफ्ट भी लग रहे हैं। दो सीख कबाब है तो इसमें 10 पीसेज है, 10 से 11 पीसेज के। वेरी सॉफ्ट, बहुत अच्छे से कुक्ड है। इसमें मसाले का काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, ब्लैक पेपर का फ्लेवर मुझे काफ़ी अच्छा आ रहा है, और ऊपर से उन्होंने इसमें चाट मसाला डाल रखा है। अगर मैं इसको खाली खा रही हूँ तो ये काफ़ी स्पाइसी है। तो इन्होंने भैया ने मुझे बताया कि इसको आप रोटी के साथ खाइए तो आपको इतना स्पाइसी नहीं लगेगा, और साथ में चटनी भी ले लीजिए जो इनकी स्पेशल ग्रीन चटनी है दही वाली, ये साथ में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये रोल्स भी प्रोवाइड करते हैं मटन सीख के साथ, अगर आप रुमाली रोटी में रोल बनवा कर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं यहाँ से। और अगर आपको स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है तो सिर्फ ये खाइए तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन मेरे लिए ये थोड़े ज़्यादा स्पाइसी, मुझे खाना पसंद है स्पाइसी, लेकिन मेरे लिए थोड़े ज़्यादा स्पाइसी हो गया, तो मुझे ये रुमाली रोटी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जूसी और काफ़ी सॉफ्ट है। ये प्लेट मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी है एंड इट इज़ वर्थ 100 रुपीज़। यू मस्ट कम हियर एंड ट्राई इट। ये था मेरा द्वारका व्लॉग, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं 4-5 जगहें। आई होप आपको पसंद आया, आप जाकर उसको चेकआउट करिएगा। मुझे इसका खाना काफ़ी अच्छा लगा जो भी मैंने रिव्यूज किए। सो प्लीज़ अगर आपको भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आप बेल आइकन दबा दीजिए, हिट कर दीजिए, ताकि आपको और वीडियोज दिखे। और प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करिए। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो एंड आई हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू ऑल गाइस। मैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ आपके पास आती रहूँगी। टिल देन बाय बाय।